सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार आवासीय पारामाउंट मिशन स्कूल की ओर से आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 6 के चैप्टर 1 चीर महान का प्रश्न उत्तर करेंगे। सर्वप्रथम है मौखिक प्रश्न, है ना। प्रश्न है कि कविता के नंबर 1 क्वेश्चन है, कविता के रचयिता कौन है। तो बच्चों, कविता के रचयिता चीर महान कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, चीर महान किसे कहा गया है। चीर महान किसे कहा गया है। सदा रहने वाला अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम को चीर महान कहा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है। कवि ईश्वर का प्रेमी बनना चाहता है। फोर्थ है, चौथा नंबर प्रश्न है, कवि मानव जाति के लिए क्या करना चाहता है। कवि मानव जाति के लिए शक्ति बनकर अंधविश्वास, भय, संशय आदि से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है लिखित प्रश्न, जो आपको पेज नंबर 11 में दिया गया है। तो प्रश्न, पहला प्रश्न है, कवि प्रभु से क्या क्या मांगता है। इसका उत्तर लिखा है मैंने, कवि प्रभु से मानव जाति के कल्याण के लिए वरदान मांगता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कवि चीर महान को क्यों पाना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि चीर महान को इसलिए पाना चाहता है कि मानव जाति का कल्याण हो, उसके जीवन में आने वाली समस्त दुखों का नाश हो। प्रश्न तीसरा है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। कवि वैसा प्रकाश बनना चाहते हैं जिससे सभी मनुष्यों में मेल हो, सभी मनुष्यों में मेल हो। अब है फोर्थ नंबर, चौथा सवाल है, मनुष्य के हृदय के स्वर्ग का द्वार चीरकाल से क्यों बंद है। कवि ने उसे खोलने का कौन सा रास्ता सुझाया है। इसका उत्तर है, मनुष्य के हृदय के स्वर्ग का द्वार भय, संशय, अंधभक्ति, भेदभाव आदि दुर्गुणों से चीरकाल से बंद है। कवि ने उसे खोलने का रास्ता सुझाया है कि हम लोगों को ईश्वर से वरदान पाकर मनुष्य के जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाकर स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट यानी पांचवा नंबर सवाल है, कवि जीवन में नया सवेरा क्यों लाना चाहता है। तो उत्तर है, मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नया सवेरा लाना चाहता है। प्रश्न छः है, छठा नंबर सवाल है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए, यानी इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर मैंने लिखा है, प्रस्तुत कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। वे छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में चीर महान को पाने की प्रार्थना की है। वह मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाकर उनमें प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं। इससे समाज में व्याप्त बुराइयां, भय, संशय तथा अंधभक्ति से मुक्ति मिलेगा। वह जीवन में नई सुबह तथा उल्लास का अनुभव कर सकेगा। कविवर पंत जी संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, जो सौंदर्य से परिपूर्ण हो, उसका प्रेमी बनना चाहते हैं और समाज का कल्याण करना चाहते हैं। वे कविता के माध्यम से कहते हैं कि सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश फैलाकर संसार में व्याप्त अंधभक्ति भय संशय का नाश करना चाहते हैं। यहाँ पर संसार कर लीजिएगा। संसार में व्याप्त अंधभक्ति, भय, संशय का नाश करना चाहते हैं। अब है नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट करें, है ना। इसके बाद है
भाव स्पष्ट करें। सौंदर्य और सत्य प्राण फर्स्ट है, सौंदर्य और सत्य प्राण। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत संसार रूपी जीवन में जो सौंदर्य से परिपूर्ण हो, सौंदर्य से पूर्ण हो और हृदय में सत्य प्रकाश, हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, उसका प्रेमी बनना चाहते हैं। नंबर दूसरा है छूटे भय संशय अंधभक्ति। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत समाज में व्याप्त बुराई भय संशय अंधभक्ति का नाश करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं प्रकाश बन समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करना चाहता हूँ। तीसरा नंबर है ला सकूँ विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे अमरदान पाकर मानव हित की रक्षा करने हेतु जीवन में नई सुबह ला सकूं। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए शब्दों के उत्तर लिखिए। जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। ये काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ये काव्य पंक्तियाँ चीर महान नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस काव्यांश में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है? इस काव्यांश में कवि ईश्वर का प्रेमी बनने की कामना करते हैं। फोर्थ नंबर है इससे क्या हो सकेगा? इससे मानव जाति का हित होगा, है ना? यानी मानव जाति का क्या होगा? समाज का कल्याण होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज 12 नंबर में देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। कवि ने जीवन में चीर महान किसे कहा है, है ना? चीर महान किसे कहा है? तो इसका ऑप्शन है जो सत्य और सुंदर हो। ख इसका सही ऑप्शन है जो सत्य और सुंदर हो। इस कविता का मुख्य भाव क्या है? इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन मानव कल्याण और एकता। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण में। तो नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे योग्य है तो योग्यता हो जाएगा, ऊंचा है तो ऊंचाई, लंबा है तो लंबाई, मीठा है तो मिठास, गहरा है तो गहराई। उसी तरह से तुकांत शब्द लिखना है शक्ति भक्ति, प्रचार प्रसार, प्रकाश आकाश, नाथ साथ, दान पान, त्राण प्राण। इसी तरह से आपका जो ये व्याकरण खत्म या व्याकरण समाप्त हुआ उसके बाद वाक्य बनाओ। वाक्य आप लोग अपने से खुद बना लेंगे। इस तरह से आपका प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। इस चैप्टर का चैप्टर 1 का जो है वह क्वेश्चन आंसर हो गया है। अब आप लोग इसको फेयर कॉपी में खूब सुंदर से लिखकर जब सबमिट करने के लिए बोला जाएगा तब लेकर आइएगा। धन्यवाद।